फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक करी है। मैं पिछले 5-6 सालों से यूट्यूब पर हूँ, पर मैंने किसी व्लॉग में इतनी ब्लंडर मिस्टेक नहीं करी जो मैंने आज करी है। तो मेरा तो सच मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो गई। मैं बता नहीं सकती आपको, व्लॉग एंड तक देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही चटपटा सा मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज संडे है, तो मैंने सोचा कुछ टेस्टी सा बनाती हूँ ताकि बच्चों का भी मूड चेंज हो जाए, घर वालों का मूड सबका फ्रेश हो जाए। तो कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बनाने की आज पूरी प्लानिंग है, देखती हूँ कैसा बनता है। और वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, सच्ची बता रही हूँ। पर मेरी मम्मी बनाती थी तो मैं बहुत वहाँ खाती थी मन से, तो मुझे बहुत पसंद है उसे। कुछ लोग भकुसवा कहते हैं, कुछ लोग फरा कहते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कहा जाता है। बट झटपट से उसे मैं बनाऊँगी बहुत ही आसान तरीके से, और कैसा बनता वो तो पता नहीं, बट वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, मेरी हर मॉर्निंग होती है हमेशा चाय के साथ, तो आज मैं बनाने वाली थी यहाँ पर तुलसी वाली चाय। तो मैंने झटपट से चाय रख दी, रात में ही मैंने दाल भिगो कर रख दी थी, जिससे कि मैं आज फरा बनाने जा रही हूँ। दाल ना बहुत अच्छे से फूल गई है, लेकिन पानी में हाथ डालो भाई, इतना ठंडा पानी है ना आज। करो सो गई, सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद चलेंगे फरा बनाने, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैं बनाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और मेरी तो यहाँ पर हमारी तुलसी वाली चाय बनकर तैयार हो गई। उसके बाद मैंने सबको झटपट से चाय पिलाई, लोगों को उठाने में 1 घंटा लग जाता है। फिर किसी तरह मेरे पतिदेव उठे, चाय पिया, और उसके बाद लग गए काम में। सो गाइस, संडे कुछ इस तरह से बीतता है हमारे पतिदेव का, दाल पीसते फ्रेंड्स। इसकी जो दाल होती है थोड़ी दरदरी सी पीसी जाती है, यानी कि टुकड़े टुकड़े वाली होनी चाहिए। अगर आप सिलबट्टे पे पीस सकते हो तो और भी अच्छा है, बट मैंने सिलबट्टे पर पीसने का बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि ठंडा मौसम बहुत ज्यादा था। तो मैंने कहा चलो मिक्सी में हो जाएगा। फर्स्ट स्टॉक जो था वो थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया, तो मैंने पतिदेव से कहा भाई नेक्स्ट टाइम थोड़ा दरदरा सा पीसना। साथ ही साथ जो लास्ट वाला स्टॉक था दाल पीसने का, वहां पर हमने बहुत सारा लहसुन, मिर्चा, जीरा, धनिया, अब इसके अलावा जितने चाहे उतने मसाले भी यहाँ पर एड कर सकते हो। सारे मसाले इसी के साथ आपको पीस लेना है, ताकि वो दाल में ना अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो यहाँ सारी चीजें मिलाकर मैंने पीस ली, तब हमारी दाल का जो पेस्ट था वो तैयार हो गया। नेक्स्ट देखिए दाल को फ्राई कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़िया में डाला सरसों का तेल, तेल गरम हो गया। इसके बाद यहाँ पे जीरा चटकाना है हमें, और ये अच्छे चटक जाने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो और मिर्ची ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला वगैरह कुछ और चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सब कुछ पहले से इसमें डाल दिया था। तो यहाँ मैंने सिर्फ जीरा डाला, और जीरा जब अच्छे से पक गया तो उसके बाद जो दाल का पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया। अब जल्दबाजी में तो आपको ये बताना ही भूल गई कि यहाँ पर दाल आपको कौन सी यूज़ करनी। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो उड़द की दाल भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैंने जो बनाया है चने की दाल से बनाया है। उड़द की दाल में थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाता है, बट उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ चने की दाल से बना रही हूँ, और इसके साथ ही क्योंकि मैंने सारी चीजें मसाले, मिर्ची, धनिया और लहसुन वगैरह पहले ही पीस लिया था, तो अलग से मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ी। सारी चीजों को डाल करके अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है, और इसे बहुत बढ़िया से ना पका लेना है, यानी कि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डाला थोड़ा सा नमक, यहाँ पर डाला अपना फेवरेट वाला सब्जी मसाला जो पतंजलि का है। ये सारी चीजें डालने के बाद मुझे अच्छे से इसे मिक्स करना था। तो ये सारा काम हमारा परफेक्टली हो गया, दाल हमारी पक गई। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आटा गूंदने का। और आटा जो हम गूंदते हैं ना, इसमें अगर आप चावल का आटा थोड़ा मिक्स कर लेते तो बहुत अच्छा होता है। तो मेरे पास चावल का आटा नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा चावल को भिगो लिया, और उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लिया। इस तरह से मुझे इसका पेस्ट मिल गया, और इन दोनों को मिला करके मैंने बढ़िया सा जो है आटा गूंद दिया। इसमें थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा नमक भी डाल दिया था स्वाद के लिए। और यहाँ पर मैंने कुकर में चढ़ा दिया है पानी, पानी में थोड़ा सा हमें तेल डालना है, ताकि हमारे जो फरा होंगे ना वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए, तैरे और एक दूसरे से चिपके ना। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट काम होता है वो भी थोड़ा सा टेक्निक वाला होता है भाई, उसमें भी ध्यान देना होता है। यहाँ पर देखिए आपको छोटे छोटे से इसको बेल लेना है, पूड़ी के शेप में बड़े ही प्यार से बेलना होता है, क्योंकि इसमें चावल का आटा मिक्स होती है फटेगा, बट अगर आपने अच्छे से आटा गूंदा है तो फटेगा नहीं। अब यहाँ पर जैसे आप गुजिया वगैरह बनाते हो ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये मसाला दाल का जो था ये हमें भर लेना, और इसे प्यार से इस तरह से आराम से दबा देना है, अच्छे से कवर कर देना है, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं होता ना तो ये खुल जाता है और उसके बाद पानी मिक्स हो जाता है और दिमाग होता है खराब। तो इस तरह से इसे धीरे धीरे से करके आपको दबा लेना है, और ये लीजिए भाई हमारा फरा जो है वो बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से एक एक करके आपको सारे बना लेने हैं, और जितना आपने पानी रखा है उसी हिसाब से आपको डिप करना है। अब मैंने क्योंकि आधा कुकर पानी रखा था, तो मुझे लगता है कि मैं 8-10 डालूंगी वहीं पर ये फुल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती है चलाने में, पलटने में। अब यहाँ पर पानी अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो इसके बाद वन बाय वन मैंने
पानी में से डाल दिया। अब यहाँ पर पानी में आपको और कुछ नहीं डालना, थोड़ा सा तेल बस डालना था, वो डाल दिया हमने। ध्यान रखिए यहाँ सीटी नहीं लगा देनी है, आप हमें हल्का सा कवर करना है। अब मैंने क्योंकि सारे फरे बना लिए थे, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बना लिए थे सबके लिए, तो मुझे दो बर्तन रखना पड़ा, एक में डालने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये लो भाई झटपट से मेरे फरे जो है उबल कर तैयार हो गए। अब बात थी इसे फ्राई करने की, और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ब्लेंडर मिस्टेक क्या की। फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक करी है। मैं पिछले 5-6 सालों से यूट्यूब पर हूँ, पर मैंने किसी व्लॉग में इतनी ब्लेंडर मिस्टेक नहीं करी जो मैंने आज करी है। सो फ्रेंड्स वो मिस्टेक ये है कि मैंने लास्ट में वीडियो शूट नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, मैं कर ही नहीं पाई, एक्चुअली सबको खिलाने में इतना बिजी हो गई कि ये जो एंडिंग का वीडियो था ये शूट करना ही मैं भूल गई, और मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मैंने बताया ही नहीं आपको कि इसे फ्राई कैसे करना है। सिर्फ मेरे पास अभी पिक्चर्स हैं और वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसे फ्राई करना बहुत मुश्किल नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया था, उसके बाद इसे उबालने के बाद जब पक कर आ गया ना, उसके बाद आपको पीसेस में से कट कर लेना होता है। इसे कट करने के बाद आपको सिंपल तेल डालना है, तेल गर्म हो जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको राई यूज़ करनी है। जी हाँ दोस्तों, सरसों जो होती है वो यूज़ करनी है, पीली वाली राई आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और वो अच्छे जब चटक जाती है तो वहाँ पर आपको डालना है कढ़ी पत्ता। दोनों चीज़ें पकने के बाद आपको इसे फ्राई कर लेना है। सो फ्रेंड्स फ्राई कर लेंगे आप तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। उस टाइम पे आप चाहें तो मसाला भी ऐड कर सकते हैं, एज वेल एज थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ जब पक जाती है तो हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया, उसका चटपटी सी चटनी बनानी है और इसका स्वाद लेना है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ जो मैंने फ्राई का वीडियो नहीं बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बेस्ट पार्ट बताना ना भूलना। टेक केयर, बाय बाय।